हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट कार सेगमेंट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्स जो 5 to 8 लाख के ब्रैकेट्स में आती हैं। एंड अगर आप में से भी कोई लोग इस ब्रैकेट में कोई कार ढूंढ रहा है तो आई होप ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी 5 कार्स की जो मेरी लिस्ट में आती हैं, जो मैं कंसिडर करता हूं अगर मैं इस ब्रैकेट में कोई कार ढूंढ रहा हूँ। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पे है। जो नंबर 5 पोजीशन पे इस लिस्ट में कार है वो है निसान मैग्नाइट। तो निसान मैग्नाइट की अगर मैं बात करूं तो निसान मैग्नाइट स्टार्ट होती है 6 लाख से एंड जाती है 11 लाख तक। एंड अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यार ये बात तो कर रहा था 5 to 8 लाख के ब्रैकेट की, बट ये 11 लाख कहाँ से आ गया, तो इस लिस्ट में कुछ ऐसी कारें हैं जिनके टॉप मॉडल्स जो जाते हैं वो 10 लाख अबव जाते हैं, बट फिर भी जो उनका वैल्यू फॉर मनी मॉडल है वो आपको 6 to 8 लाख के ब्रैकेट में मिल जाता है। तो बात करें अगर निसान मैग्नाइट की, तो निसान मैग्नाइट का जैसे मैंने आपको बताया प्राइस रेंज इस कार में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो ये कार आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है जो कि प्रोड्यूस करती है 160 Nm का टॉर्क एंड 98 BHP की पावर। एंड अगर आपका CVT वेरिएंट की बात करूं ना यार, CVT वेरिएंट इसका बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा अगर आप इसका CVT वेरिएंट ड्राइव करते हो। तो मेरे लिस्ट में ये नंबर 5 पोजीशन की कार है बिकॉज इस कार में आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और इस बजट रेंज में जो कारें आती है उसमें काफी अच्छा स्पेस ये कार आपको ऑफर करती है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, अच्छी विजिबिलिटी आपको इस कार में मिलती है। तो मेरी लिस्ट में ये नंबर 5 पोजीशन की कार है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये कार कैसी लगती है। तो बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की। तो नंबर 4 पोजीशन पे जो मैंने कार रखी अपनी लिस्ट में वो आती है रेनॉल्ट की तरफ से, रेनॉल्ट काइगर। कहीं ना कहीं निसान और काइगर काफी हद तक सिमिलर टाइप ऑफ कार है, सिमिलर टाइप ऑफ पावर फिगर्स हैं इन दोनों की। अगर बात करूं रेनॉल्ट काइगर की, तो रेनॉल्ट काइगर भी आपको 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आती है जो सेम 160 Nm का टॉर्क एंड 98 BHP की पावर आपको प्रोड्यूस करती है। ये भी 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। कार काफी ज्यादा रिफाइन है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ एक फायदा मिल जाता है आपको, इसमें भी आपको CVT वेरियंट मिल जाता है। एंड ये कार आपको दोनों ट्रांसमिशन के साथ मिलती है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। बात करी जाए इस कार में कंपेयर टू निसान मैग्नाइट थोड़ा ज्यादा स्पेस है। ये कार काफी दिखने में भी काफी अच्छी लगती है, काफी गुड लुकिंग कार है। एंड इसमें भी इसका CVT अगर वेरिएंट आप ड्राइव करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें चलाने में। तो ये कार जो है मेरी लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पे है। बात करें अब नंबर 3 पोजीशन की कार की, तो नंबर 3 पोजीशन पे जो कार आती है वो है मारुति स्विफ्ट। तो ये जो कार है ना यार, ये आज से नहीं, ये काफी टाइम से मारुति का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। एंड आज के टाइम पे भी अगर आप इसकी सेल्स फिगर पे ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये कार काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। एंड आज से नहीं, ये काफी टाइम से ये कार इस सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो नंबर 3 पोजीशन पे जो कार है ये मारुति स्विफ्ट है। मारुति स्विफ्ट की अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड बात करूं इसके पावर फिगर की, तो 87 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। कार का कर्व वेट काफी कम है, इस वजह से काफी पेपी इंजन इसका लगता है। आप जब भी चलाओगे इसको काफी अच्छा एक्सेलरेशन इस पे आपको मिलेगा। पिकअप बहुत अच्छा है कार का एंड एवरेज भी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी एवरेज निकाल के देती है। यार यही रीजन है कि ये कार कंटिन्यूसली नंबर ऑफ द ईयर्स आप कितने भी टाइम से इसको देखते हुए आ रहे हो मार्केट में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये कार। एंड ये कार इसीलिए मैंने इसको अपने नंबर 3 पोजीशन पे रखा है। तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। ये मारुति का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है एंड काफी टाइम से अगर मैं बात करूं रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी में भी इस कार में कोई इशू नहीं है। काफी टाइम से ये कार बहुत ही अच्छी परफॉर्म करते हुए आ रही है इंडियन मार्केट में। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की नंबर 2 कार की। तो नंबर 2 पे जो कार आती है वो है हुंडई की हुंडई एक्स्ट्रा। हुंडई एक्स्ट्रा हुंडई का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है एंड ये कार काफी अच्छी कार है। कंपेयर करें अगर मैं इसकी सेगमेंट की बात करूं तो उसमें काफी अच्छी कार है। ये आपको अच्छा रिफ्रेशिंग लुक के साथ ये कार आई है। काफी सारे फीचर्स इस कार में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, अच्छी माइलेज आपको निकाल के दे रही है। 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ ये कार आती है। और अगर बात करूं इसके पावर फिगर की, तो ये कार आपको 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। इस कार में आपको 2 फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल एंड CNG। बात की जाए नंबर 3 पोजीशन की कार स्विफ्ट की, तो उसमें भी आपको दोनों फ्यूल ऑप्शन मिलते थे, पेट्रोल एंड CNG। एंड इस कार में भी आपको पेट्रोल एंड CNG का फ्यूल ऑप्शन मिलता है। कार काफी अच्छी है, काफी सारे फीचर्स इस कार में आ रहे हैं एंड कार देखने में भी काफी अच्छी है। एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे फील होता था इस कार में,
कि कहीं ना कहीं जिस तरह से होंडा ने इसको एक माइक्रो एसयूवी करके प्रमोट किया था, बट ये आपको थोड़ा वो माइक्रो एसयूवी वाली फील कम देगी, हैचबैक वाली फील आपको इस कार में ज्यादा आएगी। बट फिर भी 5 to 8 lakh के ब्रैकेट में मैं इसे एक अच्छा प्रोडक्ट मानता हूँ और आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। बात करते हैं अब अपने इस लिस्ट की नंबर वन कार की, एंड जो मुझे लगता है कि इस पूरे सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार है। उससे पहले अगर आप गेस कर सकते हो कि ये कार कौन सी हो सकती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आपका गेस सही निकलता है या नहीं। तो बात करें अगर नंबर वन पोजिशन की कार की अपने लिस्ट में, तो वो है टाटा पंच। टाटा पंच को मैं बहुत पहले टाइम से कहते हुए आ रहा हूं कि ये इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है। इस कार में आपको वो सब चीजें मिल जाती है जो कि आप इस बजट रेंज की कार से एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छी विजिबिलिटी, उसके साथ साथ 5-star बिल्ड क्वालिटी के साथ ये कार आती है। एंड मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट कार है इस सेगमेंट की। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल एंड सीएनजी। तो जिन लोगों को एवरेज को लेके कंसर्न होता था पंच के साथ, अब उनके लिए एक सीएनजी ऑप्शन भी इस कार में आ गया, तो आप डेफिनेटली सीएनजी ऑप्शन की तरफ जा सकते हो अगर आपका माइलेज कंसर्न है। उसके अलावा बात करें इस कार के पावर फिगर की, तो ये कार आपको 84 BHP की पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं इस सेगमेंट की जितने भी कार्स हैं आसपास ही इनकी पावर फिगर्स हैं, बट पंच में जो आपको एडिशनल मिल जाता है वो मिल जाती है इसकी सेफ्टी। बहुत ही अच्छी कार है। हाईवे ड्राइव की बात करूं तो हाईवे में आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस देती है कार। बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है इस कार की, एंड सस्पेंशन भी बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं इस कार के। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट की जो नंबर वन पोजिशन है वो टाटा पंच के पास आती है। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड आप कितने हद तक हमारे इस लिस्ट से सहमत हो ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप अगर आप इस सेगमेंट में कोई कार ढूंढ रहे थे इस बजट रेंज में, तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई होगी। अगर आपकी ये वीडियो हेल्प कर पाई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।